महाराज अग्रसेन सेवा समिति की ओर से महिला आजीविका प्रशिक्षण के उद्देश्य से लगाए गए 30 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि किरणा भारती की रीना सिंह, निर्णायक प्रोफेसर मीरा अग्रवाल और कार्यक्रम संयोजक निधि अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति की ओर से महिला आजीविका प्रशिक्षण के उद्देश्य से लगाए गए 30 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि किरणा भारती की रीना सिंह, निर्णायक प्रोफेसर मीरा अग्रवाल और कार्यक्रम संयोजक निधि अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। अध्यक्ष मोहन लाल सराफ ने बताया कि मासिक प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को मिला कौशल उनकी जीविकोपार्जन के साथ उनके आत्मनिर्भर बनने में सहयोगी साबित होगा। शिविर में सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन और हस्त निर्मित उत्पादों का प्रशिक्षण दिया गया। महासचिव डॉक्टर बीटी अग्रवाल ने बताया कि जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहती हैं, उनके लिए हर वर्ष समिति शिविर लगती है। तो पक्षपात ना हो, ये जिन्होंने अच्छा काम किया बच्चियों को उनको ये पुरस्कार मिले और वो हकदार भी हों और अपना कार्य कर सकें, अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। क्योंकि आजकल समाज में लड़कियों में जब जो है ससुराल जाती है तो पता नहीं लगता कि कैसा घर मिले, क्या मिले, तो अपने पैरों पे भी सीखेंगी तो खड़ी होंगी और अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगी। ये उद्देश्य के साथ आज का ये कार्यक्रम है। जैसे माने जा विशेष सेवा समिति के द्वारा बहुत सारे कार्य समाज के लिए किए, पूरी निगरानी रखी जाती है कि वो छुट्टी ना करें अपनी फाइल्स, क्योंकि मेहंदी में फाइल बनती है, पार्लर की फाइल बनती है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जब वो लोग आगे कभी सोचेंगे तो अपनी फाइल खोल के याद कर सकते हैं कि उनकी मैम ने उन्हें क्या सिखाया। तो उस फाइल के द्वारा मतलब उनको सब चीजें बनाने के लिए बोली जाती है, अच्छे से उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप, जैसे पार्लर में ब्लीच है, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, हर स्टेप उनको बारीकी के साथ सिखाया जाता है। और एक महीने के बाद यहाँ आज वो अपना दिखाती है पूरा कि उन्होंने क्या सीखा। समापन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं ने तैयार परिधानों की प्रदर्शनी भी लगाई। समिति द्वारा शिविर में प्रशिक्षण लेने वाली 350 महिलाओं व युवतियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन पवन आगरी ने किया। इस अवसर पर घनश्याम अग्रवाल, महावीर मंगल, राम रतन मित्तल, मुन्ना लाल वंसल, प्रेमचंद्र अग्रवाल, ओम प्रकाश गोयल, सौरभ सलिल, उत्तम चंद आदि लोग मौजूद रहे।